नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है पुदीने खीरे की खट्टी मीठी सब्जी। हमने पुदीने के फ्लेवर से खीरे की सब्जी बनाई है और उसे खट्टा मीठा बनाया है। तो हम अपनी रेसिपी देखते हैं, उससे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पे खीरा लेंगे। हमने 3 खीरे को अच्छे से छील के काट लिया है, चख लें कहीं खीरा कड़वा तो नहीं है। उसके बाद हम 2 हरी मिर्च लेंगे, उसके बाद 10 से 12 पुदीना के पत्ते, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच तेल लेंगे, आधा नींबू का रस लेंगे इसके लिए हम, और हम इसमें आधी चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे, चीनी ऑप्शनल है। उसके बाद हम रेसिपी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल जब अच्छा गरम हो जाए तब हम उसमें जीरा डालेंगे, जीरे को भूनेंगे हम अच्छे से। उसके बाद हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च को अच्छे से मिला लीजिए। फिर हम उसमें खीरा डाल देंगे, खीरे को इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें अपने बाकी मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। इन सब मसालों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे, थोड़ा एकदम लो फ्लेम पे, जिससे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए और खीरे में कोट भी हो जाए। हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, थोड़े भुन भी गए हैं। अब हम इसे ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट पका लेंगे। 4 से 5 मिनट बहुत है खीरा पकने के लिए। अब देखिए मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं, सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब आप चाहें तो सूखी भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा ग्रेवी भी कर सकते हैं। सूखी सर्व करेंगे अगर आप तो उसमें बस खट्टा मीठा चीनी और नींबू डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं। अब हमने चीनी डाल दिया इसमें, चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे पहले हम इसमें पुदीना के पत्ते डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पुदीना हमने पहले डाला है, अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे जिससे पुदीना का अच्छा फ्लेवर आ जाए इसमें। ढक्कन लगा के पकाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पकाएंगे खाली। पुदीना का फ्लेवर बहुत रिफ्रेशिंग है इस सब्जी में। आप देखिए ये पक चुका है। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे गैस बंद करके। हमारी सब्जी तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, आप ज़रूर ट्राई करें, मेरा वीडियो लाइक करें और अपने कमेंट्स और फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।